नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर की दिड़बा पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 30 ग्राम चिट्टा किया बरामद। जालंधर के मथुरा नगर में सुबह गन पॉइंट पर दुकानदार से नकदी छीनकर लुटेरे हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर के कंपनी बाग स्थित वेरका बूथ को चोरों ने बनाया निशाना, 10,000 की नकदी, माइक्रोवेव, जूसर, मिक्सर सहित अन्य सामान चोरी कर हुए फरार। अब हलचल विस्तार से। संगरूर के दिड़बा में नशे का कारोबार बड़े स्तर पर है और वहीं पुलिस प्रशासन नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। दरअसल दिड़बा पुलिस द्वारा 30 ग्राम चिट्टे सहित एक व्यक्ति को काबू करने का दावा किया गया है। दिड़बा के SHO संदीप सिंह कालेका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिड़बा पुलिस पार्टी ने सुबह 5 बजे के करीब समुरा रोड गौशाला के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान संदेह होने पर एक व्यक्ति को रोककर तलाशी लेने पर उससे 30 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, जिसकी पहचान मुख्तियार सिंह निवासी गांव म्याल जिला फतेहबाद के तौर पर हुई है। तो वहीं उक्त नशा तस्कर से पूछताछ करने पर पता चला कि वह अपने ही बेटे अमन से चिट्टा लेकर दिड़बा के बाजीगरों को बेचने आता था। उन्होंने कहा कि मुख्तियार सिंह पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मुख्तियार सिंह के बेटे अमन को भी मामले में नामजद कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल मुख्तियार सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 5 बजे ASI ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇੜੇ ਸਮੂਰਾ ਰੋਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਮਿਆਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਥਾਣਾ ਜਾਖਲ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਂਟੀਸੈਕਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਿੜਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ। जालंधर में लूटपाट और चोरी की वारदातों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला सोडल फाटक के नजदीक मथुरा नगर से सामने आया है, जहां सुबह गन पॉइंट पर एक जनरल स्टोर के मालिक से नकदी छीनकर बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार विनोद कुमार ने बताया कि उन्होंने सुबह जब दुकान खोली, इस दौरान 2 बाइक सवार व्यक्ति आए और गन पॉइंट पर दुकान में घुस गए। वहीं उन्होंने बताया कि उक्त लुटेरे उन्हें गोली मार देने की धमकी देकर नकदी की मांग करने लगे। पीड़ित ने कहा कि देर रात की कलेक्शन 19,000 रुपये पड़ी हुई थी और सुबह उनके पास 2300 रुपये अलग थे। उन्होंने कहा कि उक्त लुटेरे गन पॉइंट पर उनसे सारी नकदी लेकर फरार हो गए। इस दौरान जाते समय लुटेरे CCTV कैमरे की DVR भी साथ ले गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डेली प्रतिदिन जो है ना 5:15 बजे दुकान खोलता हूँ। दुकान खोले कहाँ का आया सामान लेके आ रहा जा रहा है। इसके बाद 7 बजे जो है ना दो बंदे अंदर आए, दफ्तर था, रिवॉल्वर था, जो भी था वो हमको जो है ना हाथे के साथ पकड़ के जो है गोली गिरा दिया। कितने पास जो भी सामान है पैसा है निकालो। मैं कह सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तुमको और गरीब बना दूंगा। पैसा निकाला, गल्ला खोल के सारा पैसा जो है ऐसे करके निकाल के सारा पैसा निकाल लिया। इसके बाद बीड़ी से जितना इधर रखा हुआ था सब निकाल लिया, बोरी में भर के निकलते साथ में यहाँ दूध रखा हुआ था थैली, सारा दूध थैली में भर लिया। इसके बाद निकल गया। कितने का सामान ले गए हैं?
सर सामान 15-16 हजार का सामान होगा बस 15-16 हजार का सामान होगा 15-16 हजार का सामान होगा। काय सर मेरा जेडे लुटेरे आए नहीं किन्ने जने सी दो जने थे एक बाइक से सी बाइक से नहीं सवेरे 7 बजे जी कोई मथुरा नगर दे विच करियाना स्टोर है बिल्कुल आम छोटी दुकान है उते कोई मिस्टर अमित दी दुकान है जिन्हां दी उन्होंने दस्या सी कि जी मेरे को दो मुंडे मोटरसाइकिल ते आए ते मैं जो दुकान खोली सवेरे 7 बजे तो आके ते मेरे को 19,000 रुपया मेरी पॉकेट च सीगा जिहड़ा मेरे को लैके चले गए। नहीं गन पॉइंट तो क्लीयर नहीं है जी क्योंकि वो कह रहा है कि उन्हें कुछ देखी नहीं है पिस्तौल लेकिन उन्होंने कहा कि जे तू पैसे नहीं देंदा फिर असी तैनु गोली मार देंगे बट यह जी कोई गन देखी नहीं किसी को। सीसीटीवी अजे खंगाल रही है जी पुलिस SHO उत्थे मौके ते ने। अमृतसर के कंपनी बाग में स्थित वेरका बूथ में गत रात्रि चोरों द्वारा छत में सेंधमारी कर पहले कैमरे और DVR उतार लिए गए जिसके बाद दुकान के गल्ले में रखी लगभग 10,000 रुपयों की नकदी फोन और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार राकेश शर्मा ने बताया कि वे कई वर्षों से अमृतसर के कंपनी बाग में वेरका बूथ चला रहे हैं और गत रात्रि चोरों द्वारा दुकान की छत में सेंधमारी कर जहां कैमरे और DVR उतार दिए गए तो वहीं गल्ले में पड़ी करीब 10,000 रुपयों की नकदी माइक्रोवेव जूसर मिक्सर दूध व दही के पैकेट व अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। जब सुबह दुकान खोली तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। क्या है जी? मैं राकेश शर्मा वेरका मिल्क बूथ चलाना वा कंपनी बाग के अंदर माल रोड के। बीती रात असी 10 तरीक नाती अपना 8 बजे रोज जिस तरह जाइए दुकान वधा के गए हैं तो सवेरे 7 बजे जिसले आके दुकान खोली है तो समान सारा बिखरिया पिया सी तो जो अंदर आके देखा TV DVR LCD जूसर मिक्सर माइक्रो ए सारिया चीज़ा गया सी छत पाड़ के इतों छत पाड़ी है तो सब कुछ लै गए हैं लिफाफिया के बंडल कोल्ड ड्रिंक चिप्स चॉकलेटा के डब्बे गले के अंदर कुछ 7-8-10 हज़ार रुपये की भान होनी है पर्चिया होनी है वह भी लै गए हैं कुछ भी नहीं छड़ के गए। मंग प्रशासन को करने योजे अफसर से नत्थ पाई जाए तो दुकानदारों का नुकसान ना हो व्यापारी वर्ग तो अगे ही कल्पे आए तो अगे ही कारोबार तो कल्पे आए हैं हूँ योजना वारदात हो होर मन ठेस पहुँचेगी कारोबार की करना बंदे। अमृतसर के पाईटेक्स मेले में पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर विशेष तौर पर पहुंचे जहां उन्होंने मेले का निरीक्षण किया तो वहीं मेले में भाग लेने वाले किसान भाइयों और बहनों को उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का सपना है कि पंजाब के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और अपने पुरातन विरासत के साथ जोड़ा जाए जिसके चलते पाईटेक्स मेले में भाग लेने वाले किसान भाइयों और बहनों को सम्मानित किया गया है जो हल्दी की फसल उगाकर 1 एकड़ में से सालाना 12 लाख रुपए कमा रहे हैं और जो बाकी किसान धान की फसल लगाते हैं उनकी इनकम 1 से 1.5 लाख के करीब सिमट जाती है। किसान भाइयों को ऐसे किसानों से शिक्षा लेकर खेती की नई नई नीतियों पर काम करने की जरूरत है और आने वाले समय में ऐसे कामों में किसान बढ़ चढ़ कर आमदनी कमाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो सरकार जी मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार आदा तो मेन एजेंडा ही है कि कोई भी साडा भैन भरा इतने बेरोज़गार ना रहे रुजगार मिले हरेक नूं सरकार की भी इन्हों पूरी जी सहायता मिलेगी जिथे कित भी इन्हों पी सरकार पक्षों अं नाल खड़े हाँ। बाकी रही गल जे इतने साढ़े कई किसान साथी भी आए साडिया भैन आई हर तरह का इतने जिहड़ा भी कोई आपका काम करता उन्हें पार्टीसपेट किया तो जिन्होंने चंगा काम किया उन्होंने अज असी सन्मानित भी किया उन्होंने इनाम भी दिते आ। बाकी मेरे किसान कई वीर आए जिहड़े कि हल्दी की खेती करते शहद की खेती करते पोल्ट्री फार्म करते पिग फार्म की खेती करते ही असी कामयाब हो सकांगे जे साडी आपदी कणक झोने की खेती नरमे की कपाह की खेती दे नाल अहीं डेयरी फार्मिंग पिग फार्मिंग नाल पोल्ट्री फार्मिंग फिश फार्मिंग वर्गे धंधे नाल अपनाउने आ तां ही अहीं कामयाब हो सकदे आ। ते इत्थे जेंट्स दे नालों वध लेडीज़ आईआं जिहड़ी लेडीज़ आपदे आप ते निर्भर ने तो जिहड़ा ये पहला आप कहने ना मर्द प्रधान समाज आ वो गल्लां नहीं हुण रह गईआं हुण औरतां जिहड़ियां मर्दां दे नालों हर काम दे विच अगे आ SSP DC DIG IG
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਠੇਕਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਭਗ 3 ਸਪਤਾਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋ ਨਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਬਦਲੀ ਹੋਕਰ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਆਦਿਤਯ ਉੱਪਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਿਤਯ ਉੱਪਲ ਕਾ ਨਿਗਮ ਕੇ ਅਨੇ ਆਫਿਸਰੋਂ ਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋਂ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਮੇਂ ਆਦਿਤਯ ਉੱਪਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਉੱਨਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਕਰ, ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਡੋਗਰਾ, SI ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਯ ਉੱਪਲ ਕੋ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਉਨਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ shaadi.com ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਯੇ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਉਨਕੇ ਹੋਸ਼ ਉੜਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਉਨ ਲੜਕੀਓਂ ਕੋ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਜੋ ਇਸ ਠੱਗ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫੰਸ ਕਰ ਲਾਖੋਂ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੇ ਇਸ ਠੱਗ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਠੱਗ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਤਾ ਕਰ shaadi.com ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਅਬ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੜਕੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਠੱਗੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਸਕੀ ਲਿਸਟ ਅਭੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ SHO ਗੋਰਾਇਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਕਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕਰ ਉਸਸੇ ਠੱਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ SHO ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਤ ਉਕਤ ਠੱਗ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਸੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਥਾਣਾ ਬਿਹਾਲਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀਓਂ ਕੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਬਤਾਤਾ ਥਾ। ਉਸਨੇ shaadi.com ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਬਣਾਈ ਥੀ, ਜੋ ਅਬ ਤੱਕ ਲੜਕੀਓਂ ਸੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਯੋਂ ਕੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨਸੇ ਕਾਰ, 2 ਮਹਿੰਗੇ ਐਪਲ ਫੋਨ ਔਰ ਅਨਯ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਛੀਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਕੁਛ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਨਰਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਤਲਾਕ ਕਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਜਾਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਮਿਤੀ 6/12 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ shaadi.com ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ID ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
नाम के व्यक्ति ने उस नाल संपर्क किया सी, जो संदीप सिंह शादी .com की आई डी बनाई हुई है, जिस ते वह संपर्क में आई तो उन्हें उसनों दो चार बार मीटिंग की वक् वक् रेस्टोरेंटा दे विच उन्हें फिर अपने पैसों की डिमांड की है, कोई करीब 1.5 लाख रुपया ये को लै चुका। इन्हें अपना शादी .com से स्टेटस पाया हुआ कि मैं कैनेडा का सिटीजन हाँ और मैं शादी करवानी आ, शादी कराने तों बाद मैं उन्हें कैनेडा में लै जाऊँगा, मैं टोयोटा कंपनी दे विच मिसीसागा कैनेडा दे विच सर्विस करता हाँ, तो मेरी रिहायश लुधियाना विच आ, जो MBD मॉल लुधियाना विच ज़्यादातर मिलता सी, इस दे नाल नाल भी साढ़े ग्रायां शहर दे विच एक नामी होटल दे विच आके भी ये ठहरदा सी, जिथे ये लड़कियां नू टाइम दिंदा सी, उत्थे मिलन उपरंत उन्हां दा यह जो इकनोमिकली और फिजिकली जो शोषण करता रहा, जिस विच हुण तक इनू असी गिरफ्तार करन तों बाद जो लड़कियां नाल ये इस तरह कर चुका है चीटिंग, जिसकी गिनती कोई 50 तो उपर हो चुकी है, कि इसका यह तरीका वारदात यह है कि पहला उन्होंने ये इमोशनल ब्लैकमेल करता है, फिर उन्होंने कोलों ये नकद पैसे ले लेंदा ते अपने अकाउंट में जमा करके फिर उन्होंने कहता कि मैं तुहानू जिहड़ा कॉन्टैक्ट बेस से मैरिज करांगा ते तुसीं मैनू कैनेडा तुसीं लैके जाओगे, जबकि इहदा असल नाम जो हरपाल सिंह सन ऑफ अंग्रेज सिंह वासी पिंड बीला थाना टल्लेवाल जिला बरनाला है, जो इसने अपनी ID हरमन सिंह उर्फ हैरी दे नाम ते एक आधार कार्ड बनाया हुआ, एक कोविड शीट बनाई हुई है, अते इस दी गिरफ्तारी तो बाद इस दे कब्जे विचों एक इंडियन पासपोर्ट मिलिया, जिस उपरे ये आज तक कदे भी कैनेडा नहीं जा गया, ना ही इहदा कैनेडा का वीज़ा लग गया, जो इहदा पासपोर्ट चैक किया उहदे विच पाया गया कि ये मलेशिया देश गया जां ये दो बारी दुबई तक गया आ, ये कई लड़कियां नूं दुबई विच भी घुमा के लैके आया, और इसका यह रोजाना का काम आ, ये वख वख शहरां दे विच जो साढ़े कोल हुण तक लड़कियां संपर्क में आईयां, इसका जो फोन आ फोन उत्ते एक दिन में 35-40 तो लड़कियां दे फोन कॉल्स आ रही हैं, और एक लड़की जो हुण कैनेडा जा चुकी आ इस दे जाल विच फस गई सी, जो बेसिकली हुशियारपुर तो रहने वाली सी। कैनल क्लब ऑफ इंडिया की ओर से अमृतसर में करवाए गए डॉग शो में अलग अलग नस्लों के कुत्तों ने भाग लिया। अमृतसर कैनल क्लब के चेयरमैन AS भिंडर, प्रधान डॉक्टर PS संधु और सचिव अगमजीत सिंह की अगुवाई में करवाए गए इस डॉग शो में पंजाब के अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, पूना, UP सहित अन्य स्टेटों के 50 के करीब नस्लों के लगभग 250 कुत्ते अपने मालिकों के साथ पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हरि कृष्ण स्कूल की ग्राउंड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े स्तर पर डॉग शो करवाया गया है। उन्होंने बताया कि डॉग शो में जज की भूमिका में हैदराबाद से नवाब मुनीर बिन जंग और ऊटी से डॉक्टर कृष्ण मूर्ति पहुंचे हैं, जिनके द्वारा भाग लेने वाले कुत्तों की क्वालिटी को देखते हुए पहले, दूसरे, तीसरे व अन्य स्थानों पर आने वाले कुत्तों को इनाम दिए गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शो बहुत वधिया जी, पिछले साल नालों तो बहुत वधिया हो गया जी। हाँ जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा थोड़ा? एक्सपीरियंस साडा बहुत बेस्ट जी, क्योंकि जिहड़े जजिज आए सी इंटरनेशनल लैवल दे बहुत चंगे जजिज ने दोनों ने, क्योंकि जे जिहड़ा जिहदे भी डॉग जीत जांदे उह कहिंदे हुंदे चंगे, पर सानू ओदां ही पर्सनली जज बहुत पसंद आ, जजिज तां बहुत जबरदस्त आए। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਡੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਡੌਗ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪੰਜ ਕੁ ਡੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ? ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਡੌਗ ਜਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੌਮ ਇੱਕ ਰਿੰਗ BOB, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ BOB, ਸ਼ਿਜ਼ੂ ਦੋਨੋਂ ਰਿੰਗ BOB, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਬਰਡੋਰ ਆ, ਉਹ CC ਲੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ 5-6 ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਾ ਕੇ ਡੌਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਗਲ ਵੀ ਸਾਡਾ CC ਲੱਗ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ BOB ਲੱਗਾ,
बहुत बेस्ट है। नहीं देखो ये यह है कि तुम ग्राउंड इतने आओगे तो सीखने को मिलेगा डॉग्स में तुम्हें किमें बनना आ किमें चलाना आ। हूँ बहुत सारे हाई कोर्ट ने कर दिता जी डॉग बढ़ूगा तो तुम इन्ने देने जुर्माना होना, वो अपनी जगह ठीक है, बट अगर तुम डॉग को चंगे तरीके की लीश पटा एक अच्छे ट्रेनर तो ट्रेन कराओगे तो अन्य प्रॉब्लम आनी नहीं। लोगों को प्रॉब्लम ही तां करके आती है, उन्होंने यही नहीं पता डॉग को करैक्ट फड़ना किस जगह तो। इतने आके तुम सिर्फ देख के भी सीख सकते हैं कि डॉग को किस जगह तो फड़ोगे तो कितों ठीक चलूगा। आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ अमृतसर कैन क्लब, तो मैं खुशी है कि इन्ने सारे एग्जीबिटर्स ऑल ओवर इंडिया तो आए ने, बड़े कुत्ते इंपोर्ट होके इंडिया चाहे जेडे इतने शो हुए ने एंड बहुत सोहना शो हो गया है एंड साढ़े जेडे जजेस ने इन्होंने बहुत वधिया जजिंग की है। डॉक्टर अपना मिस्टर डी कृष्णा मूर्ति ते अपना मरीरिया रंग वे नवाब साहब वेरी नाइस एंड सारे एग्जीबिटर खुश गए ने करे। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗੀ 250 ਡੋਗ ਦੀ ਪਰ ਆਏ ਨੇ 200 ਅਤੇ 22 ਡੋਗਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਡਾਂ ਟੋਏ ਬਰੀਡਸ ਹਾਊਂਡਸ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੋਗ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡਸ ਲੈਬਰਾਡੋਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। जो इतने विनर होएगा उन्हें बेसिकली मिलता है बेस्ट इन शो, तो उन्होंने तो पिछे देखोगे तो उत्थे कप्स पे ने जिहड़े उन्होंने देने है तो इन्हां सर्टिफिकेट मिलता है जिन्हें पता लगता है कि हाँ भी इस कुत्ते नूं आपां ब्रीड करना है तो ताकि उसके बच्चे अच्छे होणगे। जाने माने और वरिष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम एस भूटानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लोकल ब्रांच के वर्ष 2025 के निर्विरोध प्रधान चुन लिए गए हैं। रविवार यानी 10 दिसंबर साईं के 5 बजे तक किसी दूसरे उम्मीदवार की ओर से प्रधानगी पद के लिए नामांकन ना भरने की एवज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर वी के वासुदेव ने डॉक्टर भूटानी को प्रेजिडेंट इलेक्ट 2025 घोषित कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर वी के वासुदेव, डॉक्टर एस एस मान और डॉक्टर राजीव सूद ने रस्मी तौर पर डॉक्टर एम एस भूटानी को वर्ष 2025 के प्रेसिडेंट इलेक्ट का सर्टिफिकेट भेंट किया। आईएमए हाउस में डॉक्टर भूटानी के प्रधान चुने जाने की बात पर मोहर लगते ही वहां बड़ी संख्या में मौजूद उनके समर्थक डॉक्टरों ने फूलों के हार पहनाकर गुलदस्ते भेंट करके उनका मुंह मीठा करवाकर उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर डॉक्टर भूटानी के पारिवारिक सदस्यों में उनकी बहन नैनजी, परविंदर सिंह और जयप्रीत सिंह के अलावा आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर पवन गुप्ता, पीएमसी मेंबर डॉक्टर रमन गुप्ता, डॉक्टर एसपीएस ग्रोवर प्रेसिडेंट इलेक्ट 2024 डॉक्टर दीपक चावला, डॉक्टर योगेश्वर सूद, डॉक्टर यश शर्मा, डॉक्टर मुनीश सिंघल, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर अश्मीत सिंह, डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर पंकज पाल, डॉक्टर विकास सूद, डॉक्टर पुनीत पाल सिंह डोवर, डॉक्टर रोहित चोपड़ा के अलावा संगठन के कई अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर एम एस भूटानी, भूटानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जालंधर तो थोड़े सारिया के सामने आया अज शाम नू। मेरे आईएमए जालंधर के सारे साथियों ने रल के मैनू अज अनअपोज्ड चुनिया एज प्रेजिडेंट आईएमए जालंधर फॉर द ईयर 2025। मैं अपने वालों एक कोशिश करांगा कि साढ़े डॉक्टर्स दे विच आपस दे विच बहुत प्रेम प्यार और एक बहुत अच्छे तरीके नाल एक दूजे नाल सलूक रखते हुए असी अपना जीवन व्यतीत करिए ताकि साढ़ा जिहड़ा सोशल इमेज है वह भी बहुत अच्छा बने और सोसाइटी दे विच भी रह के असी जिन्नी अच्छे तरीके नाल विचर सकीए जिन्नी सोसाइटी की सेवा कर सकीए वह भी करिए। अपने एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਫਟਲੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
अमृतसर के तरन तारण रोड के इलाके कोट मोहाना सिंह के निवासियों की ओर से रिहायशी इलाके में चल रहे बर्फ के कारखाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस कारखाने को जल्द बंद करवाया जाए ताकि इलाके के लोगों को आ रही मुश्किलों से निजात मिल सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाकावासियों ने बताया कि वे लंबे समय से इस इलाके में रह रहे हैं और उनके रिहायशी इलाके में चल रहे बर्फ के कारखाने में चल रहे पानी के कारण उनके मकानों की छतें और दीवारें गल चुकी हैं। तो वहीं कारखाने में से निकलने वाली अमोनिया गैस जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है और इससे बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी आती है। इस संबंधी उन्होंने नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को शिकायत दर्ज करवाई है और उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। तो वहीं इस संबंध में नगर निगम के सुप्रीडेंट लवलीन ने बताया कि उनके द्वारा शिकायत पर कार्रवाई करते हुए माननीय कमिश्नर के आदेशों पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन फैक्ट्री मालिक द्वारा हाई कोर्ट में इस संबंध में अपील की गई है जिसका फैसला जनवरी माह में आएगा, उसके बाद बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बंदे की कंप्लेंट है जिधर उसे मलिक रह रहे हैं नीरज कुमार, ये फैक्ट्री दे गोल्डी है जिधर कंप्लेंट है। असल से की है कि फैक्ट्री चल रही 40-45 साल पुरानी, पर फैक्ट्री का लाइसेंस जो बनया सारे को रिन्यू होया है वो 5-7 साल तो नहीं रह रहा कि रिन्यू करवा रहे हैं, लगातार हर साल रिन्यू करवा रहे हैं। ये पिछले साल कंप्लेंट आई थी कि फैक्ट्री का जो पानी है वो मेरी कंध से दिस रहा है तो मैं अपनी कंध का नुकसान हो सकता है, मेरी बिल्डिंग डिग सकती है। इस बात तो असी इनू रूटीन से जो नोट्स भेजी है, असी नोट्स भेजे कि फैक्ट्री के मालिक ने कि तू अपनी जी शिकायत है शिकायत दू कर। एक नोट्स भेजे और बाद चो उन्हें कहा कि मैं मकान के जी भी तरेर आई है ज कुछ भी होया मैं रिपेयर करवा दिना, और बारे उन्हें अपना हाफिया पैम दिता वा कि मकान की रिपेयर करवा दिना। पर नीरज कुमार नहीं चाहता कि मेरे मकान की रिपेयर होवे, वो चाहता ही है कि मेरी फैक्ट्री बंद हो। फिर भी असी जी शिकायत आई थी उस शिकायत से काबी करते हुए असी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में शिकायत मूव करती, क्योंकि इलाके बारे रिपोर्ट बिल्डिंग ने करना होता कि इलाका रैशी है या कमर्शियल है। सर सुनो ना, ये असी ना बिल्डिंग ब्रांच रिपोर्ट करती, बिल्डिंग ब्रांच से लिखता कि इलाका जरा वह रैशी है पर फैक्ट्री पुरानी चली आ रही है, ऐसे करके कि फैक्ट्री बहुत पुरानी होगा कि बिल्डिंग ने नक्शा सू ब्लॉक भेजता। जो बिल्डिंग ब्रांच की रिपोर्ट आई है कि फैक्ट्री रैशी इलाका रैशी है, असी मान्य कमिश्नर साहब को ऑर्डर लैके असी लाइसेंस कैंसल करता, उस बाद लाइसेंस कैंसल करता। इन बिटवीन जो लाइसेंस कैंसल किया जेरा फैक्ट्री का मालिक सी उन्हें साढ़े खिलाफ हाई कोर्ट चला गया नगर निगम के खिलाफ कि मेरा फैक्ट्री का लाइसेंस क्यों कैंसल किया गया, क्योंकि 40 साल मेरी फैक्ट्री चली आ रही है। पहले फैक्ट्री के मालिक ने शिकायत नहीं सी, पर हूँ शिकायत क्यों हो गई है मेरी गल सुनी जाए। हाई कोर्ट ने इस केस बारे जनवरी महीने तरीक पाई है, हूँ जनवरी महीने जो हाई कोर्ट का डिसीजन होएगा हाई कोर्ट के फैसले बाद केस बारे अगली कार्रवाई की जाएगी। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से आए भक्तों ने हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पाई। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निशुल्क किया जाता है। इंद्रदेव बबलू पंडित ने कहा कि व्यक्ति सुख दुख का कर्ता स्वयं है, परमात्मा कभी सुख या दुख नहीं देते। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता, प्रीति कोमल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। आज 1.5 साल हो गया मेरे इतने हवन जगते आते हुए, इतने हवन जग होता है तो सारे दी मनोकामना पूरी होती है। बबलू पंडित जी, श्री आचार्य इंद्रदेव जी, सारे दे लिए, सारे दे वास्ते दुआवां देते हैं कि उन्होंने लिए सारे लिए फ्री हवन जग इतने किया जाता है। तो मैं सारे बेनती करांगा, निवेदन करांगा आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से
कालिका धाम किशनपुरा में, जहां हर शनिवार को माँ महाकाली का, माँ चंडी का दुख निवारण माँ चंडी का किया जाता है निःशुल्क, और ये लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं इस महायज्ञ को करते हुए। इसी कड़ी पर हर वर्ष जो महारानी की विशाल चौकी की जाती है, तो इस बार तीसरी विशाल माँ काली की, माँ चंडी की चौकी का आयोजन 9 जनवरी को रखा गया है। तो आप सभी शहर के निवासी जन, जितने भी लोग दर्शक हैं, जो भी कालिका धाम से जुड़े भक्त भी हैं, तो सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से 9 जनवरी को समय पर पहुँचे। माँ महाकाली का उस दिन भी दिव्य प्रयोग, दिव्य उपाय संकट के लिए 4 बजे शुरू किए जाएंगे। 4 से 6 बजे तक हवन यज्ञ माँ चंडी के चलेगा, उसके बाद 7 बजे दीपक प्रज्वलित और भंडारे का आयोजन, भंडारा प्रारंभ होगा, और इसके साथ ही माँ महाकाली की चौकी शुरू हो जाएगी, जिसमें पंजाब के मशहूर गायक मुकेश इनायत जी और बहुत सारे सिंगर जन आकर के महारानी का गुणगान करेंगे। मैं पंडित गौरव शर्मा, कालिका धाम किशनपुरा तो, हर साल महामाई दी चौंकी जिदा कि 9 जनवरी नूं रखी जाती है, इस वारी चौंकी 3 साल माता रानी दी चौंकी नूं हो चुका है, ते असी 3री चौंकी महामाई दे आशीर्वाद नाल करवा रहे हैं। ते शहर वासियां नूं बहुत बहुत बेनती की जाती है कि सारे आ के माँ के दर्शन करन और माँ का आशीर्वाद लैन, और इस उपलक्ष्य दे विच अज सारे असी सेवादार कालिका धाम ज्योतिष केंद्र दे विच आए हाँ, और पंडित जी साडे गुरु पंडित बबलू शर्मा जी का आशीर्वाद लिया, और बहुत बहुत उन्होंने आशीर्वाद मिले, और सारे इत्थे आके दर्शन करन। जय माता दी। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में भजन गायकों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भोले शंकर संकीर्तन मंडली के अध्यक्ष परसराम प्रभाकर, निशा ठाकुर, रजनी प्रभाकर ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में भी साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या की शुरुआत गायकों द्वारा गणेश वंदना के साथ की, जिसके बाद भजन गायक सुमित निमाणा एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्र मोहन ढींगरा, दिनेश कुमार विजय कौड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लक्की, गोवर्धन गोंधी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहनलाल सारथी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हर वो के वे आई तू, हर वो के वे आई तू।
माता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर की ओर से श्री देवी तारा मंदिर परिसर में आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है इस संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राज योग ध्यान द्वारा शारीरिक और मानसिक समस्याओं के समाधान संबंधी विस्तार पूर्वक बताया गया। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं संबंधी भी जानकारी दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हमने ये यहाँ प्रदर्शनी लगाई है ब्रह्मा कुमारी की ओर से। हमारी प्रदर्शनी का मतलब है कि हम यहाँ पे हर एक को परमात्मा का परिचय देते हैं कि परमात्मा खुद आके हमको ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है ये अभी परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन के समय का ज्ञान हमको हर एक आत्मा तक पहुँचाना है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रदर्शनी लगाते हैं। प्रसिद्ध भजन लेखक बलबीर निर्दोष की याद में तीसरा वार्षिक निर्दोष भजन मेला संयोग पैलेस नजदीक सोडर रोड जालंधर में करवाया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, आप नेता अमित ढल, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भजन संध्या में गायक दीपक सरगम एंड पार्टी, लविश लव एंड पार्टी व गौरव चत्रत एंड पार्टी ने मातृपुर मालनी के सुंदर मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित मां भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। चौकी के उपरांत मां को 56 भोग लगाए गए और साथ ही मातृपुर मालनी जी की आरती भी की गई। इस मौके पर नीरज मित्तल, रॉकी बारी, सुमित कश्यप, अभिषेक शर्मा, परेश मल्होत्रा, यश मुथरेजा, नवजोत पसरीचा, अनिल बांसल सहित बलदेव आनंद, सनी आनंद, सुरेंद्र अग्रवाल, बीरा भगत, सुदर्शन ज्योति, रमन शर्मा, मनु छाबड़ा, सुदेश धवन, ललित शर्मा, लकी, अजय लाली, सीमा गल्होत्रा, अर्जुन मल्होत्रा, अरुण वर्मा, दविंदर साहनी, पीयूष साहनी सहित माँ भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। छोटी सी बात सुना रहे हैं, माता चिंतपूर्णी के चार नाम है, एक नाम चिंतपूर्णी है, दूसरा छिन्न बस्ती का है, तीसरा टोकरी वाली माता है, टोकरिया वाली माता में चिंतपूर्णी को किया जाता है, और जय माता दी माँ फूला रानी में किया जाता है। माई दास को फैल ना देते, माई का पवन है, माई फूल दे विचों कंचन दे रूप विच प्रकट हुई और एक भगत उठे टोकरियां भेजता सी सीधा उदे कोल चली गई और पहाड़ी भाषा दे विच बोल रही है, मुझे छुपाई ले, मुझे छुपाई ले, मुझे छुपाई ले। वो टोकरियां वाले भगत डर गए ते उठों भज गए और उस दिन तो लेके अज तक माता रानी दी सुंदर पिंडी नु अज भी टोकरी दे नाल ढक दित्ता जांदा है। रात नु तेरी माई वास्ते जोरदार तालियां बजा दियो। और जिहड़ा भगत टोकरियां बेचदा सी ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਭਵਨ ਤੇ ਅਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੁਰਤ ਮਾਲਨੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ। ਅਰੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਡ ਲੀਏ ਭੈਣ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ एक ताली श्री नरेंद्र चंचल जी ने लगाई, सभी के बाप है वो, हाथ ऊपर करके ताली बजाइए और ऐसे हाथ ऊपर करके तालियों के साथ भैणा बिचो लाड लिए भैण मां चिंतपुर।
क्योंकि कम से कम वजन ज्यादा है। तालियां की बजती रहनी चाहिए। मेरी महारानी बिल्कुल मान रही तुझे दरबार के सारे सेवकों इस विशाल महारानी का जागरण करवा रहे हैं। मैं कई दिनों को देख रहा सारे दरबार के सेवक अंतक सुबह शाम इस आयोजन का इंतजाम करने बहुत इन्होंने मेहनत की थी। मैं मां त्रिपुर माली अगर अरदास करना कि तेरे जड़े सेवक ने इन्हों चढ़ती कला च रखी इन्होंने सिर पर मेहर मर्याद रखी इस तरह हर साल तेरा
जागरण करवाते रहन और साडे वर्गे बंदियां बुला के इत्थे छोटे छोटे बंदियां महामारी का आशीर्वाद दवाते रहन और इस मां के दरबार की जड़ी महिमा है ये दुनिया च जी शक्तिपीठ श्री देवी दरा मंदिर से बैठी है और ये मां जिसे सत्ते हाथ रख देती है उन्हें सारे कष्ट दूर कर देती है उनकी सारिया मनोकामना उन्हें एक मिसाल मैं थोड़े सामने खड़ा मेरे किन्ने कष्ट इस मां ने कटे है और तुसी उह जानदे हो और इस तों उत्ते मैं होर कुछ नहीं कहना चाहुंदा अचानक इसे तरह अगले साल फिर और अज जिहड़े साडे भजन सम्राट बड़ा आनंद आ रहा सी अपने मां के गुणगान मैं बाहर आने की अरदास करना इन्होंने सिर्फ भी मेल भरे हाथ रखे इस तरह है जन जन तक महारानी का नाम बन जाते हैं और महारानी इन्होंने सिर्फ वेर मरिया जय माता और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। संगरूर की डिडबा पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 30 ग्राम चिट्टा किया बरामद। जालंधर के मथुरा नगर में सुबह गन पॉइंट पर दुकानदार से नकदी छीनकर लुटेरे हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर के कंपनी बाग स्थित वेरका बूथ को चोरों ने बनाया निशाना, 10,000 की नकदी, माइक्रोवेव, जूसर, मिक्सर सहित अन्य सामान चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।